हमारे सरकार की बहुत बड़ी खूबी है, जो वादे हम करते हैं वो निभाते भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश, आप देख रहे हो योगेश 73। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। तो सबसे पहले खबर यही निकल के आ रही है फ्री स्मार्टफोन को लेकर, जो राजस्थान के अंदर 40 लाख महिलाओं को मिलने वाला था उसकी शुरुआत है वो खुद आज अशोक गहलोत जी ने अपने हाथों से कर दी है। आज बालिकाओं को खुद सीएम ने अपने हाथों से फ्री स्मार्टफोन देकर इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। इसकी शुरुआत जयपुर के अंदर हुई थी, अब तमाम जिलों के अंदर धीरे धीरे 9 सितंबर से पहले सभी को स्मार्टफोन दे दिए जाएंगे जो योजनाओं के लिए पात्र हैं। आज प्रदेश सरकार 2 कंपनियों के स्मार्टफोन दे रही है, जिनमें से एक है रियलमी और दूसरा है रेडमी। और जो रियलमी का स्मार्टफोन होने वाला है वो रियलमी C30 और जो रेडमी का स्मार्टफोन है वो है रेडमी 8 2। तो दोस्तों आप जानते हैं फ्री स्मार्टफोन को लेकर अशोक गहलोत जी हमारे सीएम है, उन्होंने क्या कहा। हमारी सरकार की बहुत बड़ी खूबी है, जो वादे हम करते हैं वो निभाते भी हैं। मुझे खुशी है कि आज हम लोग 6,800 रुपए प्रति मोबाइल इंक्लूडिंग उसका 20 GB का डाटा भी डाल दें उसके अंदर। तो आज इस योजना का शुभारंभ सीएम के हाथों से हो चुका है, अब तमाम जिलों के अंदर धीरे धीरे स्मार्टफोन वो दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री में मिलने वाले मोबाइल फोन की दूसरी झलक देखने को मिल चुकी है। खुद अशोक गहलोत जी ने अपने हाथों से मोबाइल देकर इसकी शुरुआत की है। आज 2 कंपनियों के मोबाइल बांटे गए हैं, रियलमी और रेडमी। इन फोन की कीमत लगभग 6,000 रुपए है। इसके बाद दूसरी कंपनियों जैसे नोकिया और सैमसंग के भी फोन दिए जाएंगे। आज अशोक गहलोत जी ने फ्री स्मार्टफोन देकर इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। 1,000 से भी ज्यादा स्कूल और कॉलेज के अंदर जाकर खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों से फोन देंगे। फ्री स्मार्टफोन लेने के लिए आपको अपना जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो जन आधार के अंदर नंबर जुड़े हैं मोबाइल साथ में लेके जाना जरूरी है। तो अब बात करते हैं आपको कब और कैसे मिलेगा। तो पहले फेज के अंदर 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाना है, बाकी बच जाएगी उनको दूसरे फेज के अंदर 95 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा। तो अब बात करते हैं पहले फेज के अंदर किन किन महिलाओं को मिलेगा। तो जो भी महिला इस योजना के लिए पात्र है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए, आपको पता नहीं है पात्रता कैसे जांचे तो आप हमारा वीडियो देख सकते हो, चैनल के ऊपर जाके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा सभी वीडियो का। तो अगर आप योजनाओं के लिए पात्र हो तो आपको धीरे धीरे मैसेज आ भी गया होगा, और नहीं आया तो आपको 5 से 7 दिनों के अंदर, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर स्मार्टफोन दिए जाएंगे 9 सितंबर से पहले तो आपको मैसेज आ जाएगा। जैसे जैसे दोस्तों आपको मैसेज आएगा तो आप सोच रहे होंगे कि आपको जाना कहाँ होगा, कहाँ पे कैंप लगेगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, क्योंकि दोस्तों आप अपना गाँव और जिले के अंदर कहाँ कैंप लगेगा मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर, आप देख सकते हो वो डिटेल बताइए कौन सी स्कूल के अंदर कौन सी जगह है, कितने बजे से कब कितनी तारीख को कैंप लगेगा। तो आज जिन महिलाओं को स्मार्टफोन नहीं मिला है उनको 5 से 7 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर मिल जाएगा, और जिनको अभी योजनाओं के लिए पात्र नहीं है उनको दूसरे फेज के अंदर मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दें, और ऐसी राजस्थान की योजनाओं से जुड़ी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट जरूर कर दें।